पाकिस्तान को अपनी सभी JF-17 फाइटर जेट को अभी किस वजह से ग्राउंडेड कंडीशन में रखना पड़ सकता है। यूएई की कारगिल की तरफ से अभी अपनी पूरी पोर्टफोलियो को भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया जा रहा है। भारत को कम समझकर चाइना ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिसका एहसास अभी खुद चाइना को होने लगा है। चाइना की तरफ से अभी पहली बार अपनी लूनार प्रोब को चांद पर लैंड कराया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जितने भी फोटो या वीडियो अभी चाइना की तरफ से शेयर किया गया था वो सब फेक है। और अंत में इंडियन नेवी की MiG-29 एयरक्राफ्ट का क्रैश होना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय क्यों बनने वाला है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट्स का भारत के एयरस्पेस के करीब उड़ान भरने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान की JF-17 को लेके है। टाइम्स नामा अभी इसको लेके एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को अभी अपनी JF-17 फाइटर जेट्स को लेके कुछ सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आप सब जानते होंगे कि अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो JF-17 इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट है, लेकिन अभी इसकी मेंटेनेंस को लेके पाकिस्तान को कुछ खास प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आप सबको पता होगा कि JF-17 हालांकि चाइना और पाकिस्तान के बीच एक ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है, जिसमें डेवलपमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारा काम चाइना की तरफ से किया जाता है, और असेंबली लाइन से प्लेन को बाहर निकालने के बाद उसकी धुलाई वगैरह और साफ सफाई करने का जो काम होता है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। पर फिर भी इसमें पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो कि ऑफिशियली चाइना की तरफ से पाकिस्तान को JF-17 के साथ ऑफर किया गया था। बदले में पाकिस्तान इसमें रशियन ओरिजिन RD-33 इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। अब इंजन को एक रेगुलर इंटरवल में सर्विसिंग या ओवरऑल की जरूरत पड़ती है, जिसको को अभी सिर्फ रशिया की रोजोबोर्न एक्सपोर्ट की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगाए गए सैंक्शन की वजह से रशिया पाकिस्तान के साथ डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है, और अभी तक इनके बीच कोई भी अल्टरनेट पेमेंट मेथड को यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है, जिस वजह से आगे चल के JF-17 के इंजन को लेके काफी सीरियस इशू सामने आने वाले हैं। अभी पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा JF-17 मौजूद है, और आगे चल के पाकिस्तान की एयरफोर्स में और भी ज्यादा JF-17 इंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी ऐसा लगने लगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की मैक्सिमम JF-17 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड कंडीशन में रहने वाले, क्योंकि बिना इंजन के ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद है कि वो अभी सभी JF-17 को री इंजिन कर सकते हैं, और रशियन इंजिन के बदले यहाँ पे चाइनीज ओरिजिन इंजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से पहले से पाकिस्तान की तरफ से इसको अपने JF-17 में इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सब जानते हैं कि लद्दाख में भारत और चाइना के बीच फेसअप चल रहा है, और ये साथ पूरे विंटर में चलने वाली है। अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी ये बताया गया कि भारत और चाइना के बॉर्डर में जो फेसअप चल रहा है ये सब चाइना की तरफ से जानबूझकर प्लान किया गया है, और शुरुआती दौर में चाइना को ऐसा नहीं लगा था कि भारत विंटर में लद्दाख में डिप्लॉयमेंट कर सकता है। हालांकि चाइना के पास भारत के मुकाबले बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में चाइना अभी भी भारत से काफी पीछे है। भारत की तरफ से अभी लगभग 50,000 के आसपास ट्रूप्स को लद्दाख में डिप्लॉय करके रखा गया है, और इसमें भारत को कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जबकि अगर चाइना की बात करें तो चाइना को अभी इमरजेंसी बेसिस पर विंटर गियर को खरीदना पड़ रहा है। भारत की तरफ से अभी सभी स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा करके रखा गया है, जबकि वहां पर टेम्परेचर अभी -20 डिग्री से नीचे जाने लगा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर -20 डिग्री से नीचे जाने लगा है, वैसे ही चाइना को दिक्कत होना शुरू हो चुका है, क्योंकि शुरुआती दौर में चाइना की तरफ से एडवांस में ही बड़ी मात्रा में विंटर गियर को खरीद लिया गया था, क्योंकि वो पहले से ही भारत के साथ लद्दाख में फेसअप करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो विंटर गियर चाइना की तरफ से खरीदे गए थे वो मुश्किल से -20 डिग्री तक के टेम्परेचर को झेल पाते हैं, और 8 से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकते हैं और सही से काम कर सकते हैं। लेकिन अभी फेसअप 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई में चल रहा है, जहां पर अभी चाइना को ऑपरेट करने के लिए काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सियाचिन में ऑपरेट करने का अनुभव होने की वजह से यहाँ पर भारत की तरफ से बेहतर पोजीशन को बनाकर रखा गया है। भारत के जवानों को अभी वेस्ट मेड विंटर गियर को दिया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन विंटर गियर है, जबकि चाइना को अभी भी अपने विंटर गियर को लेके क्वालिटी इशू का सामना करना पड़ रहा है, और इसके लिए अभी चाइना की तरफ से एक स्पेशल कमेटी को भी सेटअप करके अपॉइंट किया गया है।
अगला अपडेट कारगिल को लेके। अब सबको याद होगा कि भारत की तरफ से इशू किए गए लगभग 94,000 कार्बाइन्स के टेंडर में यूएई की कारगिल को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद जब भारत की तरफ से इंपोर्ट बैन लिस्ट को इशू किया गया तो इस टेंडर को कैंसिल करने की बात की गई थी, पर कारगिल इतनी आसानी से इस टेंडर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अभी कारगिल के सीईओ हमाद सलीम अल अमीर ने बताया है कि अभी भी ये टेंडर ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुआ है और अभी भी कारगिल इस टेंडर को हासिल करने की उम्मीद बनाए रखा हुआ है। अब इनके लिए पहले से ही कारगिल की तरफ से मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर इन कार्बाइन को भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा था, लेकिन जब इसके बाद भी भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया तो उसके बाद अभी कारगिल अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन के साथ साथ अपनी पूरी पोर्टफोलियो को भारत में लाने का ऑफर दे रही है। कारगिल के अंडर अभी 25 से ज्यादा सिस्टर कंपनी काम कर रहे हैं। अब कारगिल भी इस ग्रुप का एक पार्ट है जिसका नाम एज ग्रुप है, और एज ग्रुप के लिए जो 25 के आसपास सिस्टर कंपनी काम कर रही है सब डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कारगिल की तरफ से अभी सिर्फ अपनी कार्बाइन के अलावा भारत की मार्केट में अपनी सभी प्रोडक्ट को लाने की कोशिश की जा रही है और इन सभी को वो आगे चल के भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहे हैं। अब सिर्फ स्मॉल आर्म्स की बात करें तो कारगिल के पास अभी ऑलमोस्ट 17 प्रोडक्ट मौजूद है जिनको वो आगे चल के भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, और कारगिल इंटरनेशनल को आगे चल के कारगिल इंडिया की तरफ से सभी मेजर आइटम्स को सप्लाई करने का एम रखा गया है, यानी कि भारत में बनने वाले वेपन्स को आगे चल के बाहर देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। कारगिल के सीईओ का कहना है कि वो सिर्फ भारत को अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाहते हैं बल्कि आगे चल के भी भारत को इनकी कंप्लीट सपोर्ट और सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं, और जैसे जैसे इनको भारत में बनाना शुरू किया जाएगा तो वैसे वैसे इनकी यूनिट कॉस्ट धीरे धीरे भारत के लिए कम होना शुरू हो जाएगा। और अभी शायद कारगिल की तरफ से इंडियन आर्मी की 9mm की पिस्तल और स्नाइपर टेंडर में शामिल होने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइना की तरफ से अभी चांद पर एक अनमैन्ड मिशन को प्लान किया गया था जहां पर चाइना की तरफ से एक स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड कराया जाएगा और उसके बाद वहां से चांद की मिट्टी के सैंपल लेके वापस आने का प्लान किया गया था। और अभी चाइना की तरफ से किए गए क्लेम के मुताबिक चाइनीज स्पेसक्राफ्ट सफलता के साथ अभी चांद के सतह पर लैंड कर चुका है, और इस मिशन के सफल होने के बाद चाइना अभी 2022 तक चांद पर ह्यूमन मिशन को भी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की चांगी स्पेसक्राफ्ट को ट्यूसडे को चांद के सतह पर सफलता के साथ लैंड करा दिया गया था, और अगर चाइना इसे वापस धरती में लाने में कामयाब हो जाता है तो चाइना पूरे दुनिया भर में तीसरा देश होने वाला है जो कि चांद की सतह से मिट्टी के सैंपल को वापस ला पाए हैं। इससे पहले 1960s में और 1970s के दौर में यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन की तरफ से ऐसे मिशन को अंजाम दिया गया था, और अभी चाइना की सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की प्रोब सैटरडे को चांद की एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद इसे चांद पर सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की गई थी, और धरती से चांद तक पहुंचने के लिए इसको लगभग 112 घंटे का वक्त लगा था। अभी ये ऑलमोस्ट 2 केजी तक के चांद की सरफेस की मेटल को अपने साथ वापस धरती पर लाने वाला है, और इसके बाद जब इसको धरती में वापस लाया जाएगा तो इसको शायद चाइना की इनर मंगोलिया प्रोविंस में लैंड कराने का फैसला किया गया है। पर अभी चाइना की तरफ से रिलीज किए गए इमेजेस और वीडियोज को देखने के बाद कुछ लोग ये संदेह कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से अभी जो इमेजेस और वीडियो को पब्लिश किया गया था वो सब फेक हैं। और इसके लिए जो तर्क बताया जा रहा है उनमें से पहला तर्क ये कि उस पूरे वीडियो के दौरान कहीं पर भी एक भी पत्थर देखने को नहीं मिला है, और दूसरा तर्क ये कि कुछ इमेजेस में एक लाइन देखने को मिला है जो कि काफी हद तक आर्टिफिशियल लगता है। अब ये सब बातें कितना सच है और कितना झूठ है ये अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन अगर सच में चाइना ऐसा कर लेता है तो ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात होने वाली है। साथ ही अगर ये वीडियो और इमेजेस जिसको ग्लोबल टाइम की तरफ से बार बार पोस्ट किया जा रहा है सब फेक निकलता है तो ये उतना ही शर्म की बात भी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की MiG-29 के एयरक्राफ्ट को लेके है। हाल ही में इंडियन नेवी की MiG-29 के क्रैश होने के बाद इन एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी के ऊपर काफी सारे सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे 45 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे 67 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था, और अभी 21 एडिशनल एयरक्राफ्ट को भी खरीदा जाने वाला है। अभी हमारे जो MiG-29 के एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, एयरक्राफ्ट मैलेवर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के बाद अपने सोर बेस नेवल बेस को वापस लौट रहा था। अभी अगर नेवी की बात करें तो नेवी के पास अभी कुल मिलाकर 41 MiG-29 बचा हुआ है, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर हमारे 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे और उससे पहले 2018 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। हालांकि अभी इनकी क्रैश होने की वजह जानने के लिए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अगर कुछ साल पहले क्याक की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर नजर डाला जाए तो MiG-29 के क्रैश होने के कुछ मेजर कारण हमको दिखाई पड़ सकते हैं। क्या की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे MiG-29 के एयरक्राफ्ट में इंजन, फ्लाईओवर और इसकी एयरफ्रेम में भी कुछ मेजर इश्यू सामने आए थे,
और इनकी क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। इंडियन नेवी के जितने भी MiG-29 एयरक्राफ्ट क्रैश होने के अलावा अभी तक कई बार इनका इंजन फेल हो चुका है, लेकिन पायलट्स इनको जैसे तैसे करके सही सलामत लैंड करवा देते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 10 बार ऐसा हुआ था जहां पर इनको सिंगल इंजन के साथ लैंड करना पड़ा था, यानी कि 10 बार ऐसा हुआ है जहां पर फ्लाइट के दौरान इनका इंजन फेल हो गया था। अब अगर इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2016 में इनकी ओवरऑल सर्विस अवेलेबिलिटी 37% के आसपास था, लेकिन 2014 में बस 16% के आसपास था। अब यही नंबर अगर MiG-29 की ट्रेनर वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये 21% से थोड़ा ज्यादा था। तो आप सोच सकते हैं इनकी क्रैश होने की मेजर कारण क्या हो सकता है। अब हालांकि पिछले कुछ सालों में इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी काफी हद तक बेहतर हो चुका है, पर अभी भी MiG-29 को सीवियर मेंटेनेंस इशू का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से इनका सर्विस लाइफ 6000 घंटे तक रिड्यूस हो चुका है, जो कि देखा जाए तो काफी बड़ा नंबर है। और अगर हमारे फाइटर जेट की सर्विस लाइफ वक्त से काफी पहले रिड्यूस होने लगता है, इसका मतलब यह है कि वक्त से पहले हमारे एयरक्राफ्ट बूढ़े होने लगे हैं और अब इनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है। जबकि इन MiG-29 को भारत की तरफ से 2010 के आसपास फुली इंडक्ट किया गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको कम से कम 30 से 40 साल के आसपास सीमलेस सर्विस देना चाहिए था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से है। एक या दो दिन पहले का अपडेट आया था जहां पर यह बताया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट्स की तरफ से अभी इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ किया गया था और पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक इंडियन साइड में घुसपैठ कर गए थे और उसके बाद वो वापस चले गए थे। इसी बात को लेकर पिछले 2 दिनों के अंदर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए गए थे कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट इतनी आसानी से इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ कर जाते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट अपनी मनमानी कर सकते हैं और अभी तो भारत के पास रफाल और मेट्योर मिसाइल भी मौजूद है जिनसे हम आसानी से पाकिस्तानी एयरफोर्स की किसी भी फाइटर जेट को मार के गिरा सकते हैं। लेकिन इन सभी तरह के सवालों से पर्दा हटाते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है कि दरअसल उस दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भारत के एयरस्पेस में घुसपैठ नहीं किया गया था और वो अपने एयरस्पेस में ही मौजूद थे। आमतौर पर हमारे ग्राउंड यूनिट्स को और बाकी सभी लोगों को जिन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट का ट्रेल देखा था, उनको ऐसा लगा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अभी हमारी एयरस्पेस में घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि असल में वो उनके एयरस्पेस में ही मौजूद थे। और आमतौर पर ग्राउंड यूनिट्स को ऐसे भ्रम होना आम बात है, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट LOC के काफी करीब उड़ान भर रहे थे और इसको एक तरीके से डेंजर जोन में भी डाला जा सकता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्क्रैम्बल किया गया था। आमतौर पर LOC का जो 10 किलोमीटर का दायरा होता है वो नो फ्लाई जोन होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इसके काफी करीब उड़ान भरा जा रहा था। और अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को बदलने का फैसला किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को बफर जोन के अंदर भी BVR मिसाइल को फायर करने की इजाजत दी गई थी, यानी कि LOC के करीब अगर दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट मौजूद होगा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट उस पर BVR मिसाइल को फायर कर सकते हैं और यहां तक कि अगर वो पाकिस्तान की एयरस्पेस को वायलेट नहीं भी कर रहा होगा तब भी वो मिसाइल को फायर कर सकते हैं। और ऐसे खबर आने के बस 2 ही 3 दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से LOC के इतने करीब उड़ान भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।